सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल टेक राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास किसी ऐसे नंबर से कॉल आता है जो हमारे फ़ोन में सेव नहीं होता, तो ट्रू कॉलर के द्वारा उसका एक अलग नाम शो हो गया है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये नंबर किस इंसान का है या फिर ये नंबर जिस भी इंसान का है उसका क्या नाम है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे लोगों का फ़ोन आता है जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका नाम क्या है, लेकिन उनका नंबर हमारे फ़ोन में सेव नहीं होता और जब वो हमारे पास कॉल करते हैं तो उनका नाम अलग शो होता है ट्रू कॉलर के द्वारा, जिनका रियर में नाम कुछ अलग होता है और ट्रू कॉलर में कुछ अलग शो होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँगा जिससे आप अपने ट्रू कॉलर वाले नाम को चेंज कर सकते हो और जो आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना जिससे आप समझ सको कि आपको क्या तरीका अपनाना है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ट्रू कॉलर एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हमें पता लग जाता है कि जिस अनजान नंबर से हमारे पास कॉल आया है वो किस इंसान का है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ कि ट्रू कॉलर में जो नाम शो होते हैं वो क्यों होते हैं और किस वजह से होते हैं। क्योंकि जो नाम ट्रू कॉलर में शो होता है, कई लोगों के रियर में वो नाम अलग होते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, पहले मैं आपको वो बताता हूँ और फिर उसके बाद बताऊँगा चेंज करने का तरीका। दोस्तों, हमारे फ़ोन में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो एक ही नाम के होते हैं, तो उनकी पहचान रखने के लिए दोस्तों हम उनके नाम के आगे कुछ ऐसा नाम लिख देते हैं जिससे हमें पता चल सके कि ये नंबर कौन से वाले नाम का है। जैसे सपोज करो कि आपके फ़ोन में 5 नंबर विशाल नाम से हैं और 5 अलग अलग लोगों के नंबर हैं, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन सा विशाल कौन से नंबर का है या फिर ये नंबर कौन से वाले विशाल का है। तो इसलिए हम पहचान करने के लिए उसके नाम के आगे एक ऐसा नाम रख देते हैं जिससे हमें पता लग जाता है कि ये हमारे पास कौन से वाले विशाल ने कॉल किया है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि जो नाम उसमें रख देते हैं वही नाम काफ़ी लोगों के पास ट्रू कॉलर में वही नाम शो होने लगता है, क्योंकि हम अपनी पहचान के हिसाब से नाम रखते हैं। लेकिन काफ़ी और लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता कि नंबर किसका है, तो उनके पास वही नाम शो होने लगता है, जिससे उस इंसान का नाम अलग पड़ जाता है और उसको वो देखने में काफ़ी अटपटा लगता है। जिस इंसान का वो नंबर होता है उसको वो नाम देखने में काफ़ी अटपटा लगता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि आपका भी नाम किसी ने ऐसे ही उल्टा सीधा रख दिया है ट्रू कॉलर पर उल्टा सीधा शो हो रहा है, तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको मैं एकदम लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आप चेंज कर सकते हो। तो बिल्कुल भी स्टेप मिस मत करना और जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सेम आपको वैसा ही करना है। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, मैं आपको दोनों तरीके बताऊँगा कि जिस नंबर का आप नाम चेंज करना चाहते हो, अगर उस नंबर को आप किसी स्मार्टफोन में चलाते हो तो आप कैसे कर सकते हो, और अगर आपका कोई ऐसा नंबर है जिसे आप कीपैड फ़ोन में चलाते हो तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा दोनों नंबर के। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में ट्रू कॉलर ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो ये 3 लाइन आ रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों, अगर आपके नंबर से आईडी बनी हुई है ट्रू कॉलर पर तो इस तरह से होगी जैसे मेरी शो हो रही है। तो आपको यहाँ पेंसिल के निशान पर जाना है। जब यहाँ पर आओगे तो इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस जगह पे आपको नाम और नंबर और जो आपका ईमेल आईडी सब शो होंगे अगर आपने एडिट किए होंगे। तो आपको यहाँ क्या करना है, जो भी आप अपना नाम रखना चाहते हो वो यहाँ पे रख सकते हो, या फिर जो चेंज करना चाहते हो वो यहाँ पे एडिट करके उसे चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना चेंज करके दिखा दूँगा आपको, राज। अब देखिए दोस्तों, पहले मेरा नाम राज राठौर था, अब मैंने दोनों में राज कर दिया है। अब मैं सेव कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, ऊपर दोनों में राज हो चुका है। अब जब भी मैं किसी ऐसे इंसान को कॉल करूँगा जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं है, तो उसके पास दोस्तों मेरा नाम राज नाम से जाएगा ट्रू कॉलर के द्वारा। इससे क्या होगा दोस्तों, कब किसी इंसान ने ही मेरा नाम किसी उल्टे सीधे नाम से सेव किया होगा, तो अब वो नाम वहाँ पर शो नहीं करेगा। अब राज जो नाम मैंने अभी सेव किया है, चेंज किया है, इस नाम से सबके पास मेरा नंबर जाएगा ट्रू कॉलर के द्वारा, जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं होगा। तो इस तरीके से राज नाम से जो मैंने सेव किया है ये नाम सबके पास जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना नंबर का नाम चेंज कर सकते हो ट्रू कॉलर वाला। अब मैं दोस्तों आपको दूसरा तरीका बताता हूँ
कि अगर आपका कोई नंबर ऐसा है जो आप कीपैड फ़ोन में चलाते हो और उसका नाम ट्रू कॉलर पर दोस्तों कुछ ऐसा सो रहा है जो आपको काफ़ी देखने में अटपटा लग रहा है, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी ट्रू कॉलर पर आपके इस नाम से आपको जाने, तो आप उसे कैसे चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको किसी के अपने दोस्त के अपने घर में किसी भी मेम्बर के फ़ोन को लेना है जिसके पास स्मार्टफोन हो। उसमें दोस्तों आपको ट्रू कॉलर नाम की जो आईडी है, ट्रू कॉलर नाम की जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद दोस्तों आपको उसकी अगर आईडी पहले से बनी हुई है तो उसे लॉग आउट करना है। उसके बाद आपको अपने कीपैड वाले नंबर से उसमें लॉगिन करना है। जब आप उसमें लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। तो आपको यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करना है। पेंसिल पे क्लिक करके आपको उसमें अपना वही नाम सेव करना है जो आप नाम रखना चाहते हो। जब आप उसमें सेव कर दोगे दोस्तों नाम अपना, तो सबके पास दोस्तों वो नाम जाएगा जो आपने सेव किया है। उससे पहले जो नाम जा रहा था, जो आपको देखने में काफ़ी बुरा लग रहा था, वो नाम अब किसी के पास नहीं जाएगा। जो नाम अभी आपने सेव किया है वो नाम सबके पास वही शो होगा। जब आपका नाम चेंज हो जाएगा, जब आपका नाम सेव हो जाएगा, तो आपको उस फ़ोन में से अपनी आईडी को लॉग आउट करना है और उससे बोल देना जिस भी इंसान का आपने फ़ोन लिया है कि वो आप अपने नंबर से उसे लॉगिन कर ले। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने कीपैड नंबर के नाम को चेंज कर सकते हो, जिससे आप किसी के पास भी ऐसा नाम नहीं जाएगा जिससे आपको देखने में बुरा लगे। आपका वही नाम सबके पास शो होगा जो आप चाहते हो। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा तरीका है जिससे आप अपने ट्रू कॉलर के नाम को चेंज कर सकते हो और वही रख सकते हो जो आप सबको दिखाना चाहते हो और जो नाम आपका रियल में जो नाम है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कैसे आपको अपना नाम चेंज करना है और हमारे ट्रू कॉलर पर नाम आता है वो किस वजह से आता है। तो आपको पूरा तरीका अच्छे समझ में आ चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।